पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे क्यों बुलाया? ईशा ने हम दोनों को कैफे 24। हम दोनों की कोई मिली भगत नहीं, बोलो। कोई मिली भगत ना है हमारी। ईशा ने बोला कि तन्ने लेकर आ जाऊं तो मैं साथ चल रही हूं। बाकी मन ने कोई आइडिया ना है। अच्छा, पक्की बात? वैसे बहुत वक्त के बाद ईशा के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट दिखी है कि वो फैशन स्टडीज परस्यू करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली है। अच्छा ही है, वहां न्यूयॉर्क जाएगी, वहां उसके पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट भी बेहतर हो पाएगा और फिर वहां वो जाकर थोड़ी और प्रिपेयर्ड हो जाएगी, थोड़ी और स्ट्रांग बन जाएगी, तब हम उसे दीप के वो दर्दनाक सच के बारे में बता पाएंगे। फ्लावर्स, टेबल, लाइटिंग, फोटो फ्रेम, सब कुछ एकदम परफेक्टली रेडी है। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना? ये खाने पीना भी रेडी है, परफेक्ट। अरे बड़ा प्यार आ रहा है इस छिपकली को अपने भाई और भाभी पे। अरे तू जानती नहीं है, जैसे छिपकली की कटी हुई पूंछ तड़पती और मचलती रहती है ना, वैसे ही आज तू तड़पने वाली है। न्यूयॉर्क जा रही है ना? जाएगी जाएगी, मगर पढ़ाई करने नहीं, वहां के पागल खाने में भर्ती होने। मेरे आइटम पे नजर मारने वाली है नीत हुड्डा ने मेरे मीत के साथ कवर चौथ बनाया था ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। क्यों? बाय द वे, थैंक यू। ये आइडिया तुम्हारा ही था कि ईशा न्यूयॉर्क जाकर अपनी फॉर द स्टडीज परस्यू करे, वहां जाकर अपने पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट कराए। तुम्हें ने दिखाया रास्ता, इसलिए थैंक यू। यार बस ये भाई चाहते हैं उसकी बहन खुश रहे, उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, कोई और दर्द ना आए, बस खुशी और सुकून। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।